माजी के झरोंकों से एक याद है कि कभी जहां से बादशाहों का गुजर हुआ करता था, कभी जहां शहजादियों की पाजेबें छनका करती थी, कभी जहां किसी को दम मारने की मजाल नहीं होती थी। लाहौर की शाही गुजरगाह के बारे में सुहेल कैसर रिपोर्ट करेंगे। लाहौर के दिल्ली दरवाजे से गुजरकर जैसे ही आप सामने मौजूद रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तो समझ लीजिए कि ये कोई आम गुजरगाह नहीं है, बल्कि आपके कदम शाही गुजरगाह पर पड़ चुके हैं। अगर चश्मे तसव्वुर से देखें तो किसी भी बादशाह की आमद पर तब भी वही माहौल देखने को मिलता था जो आज किसी आला शख्सियत की आमद पर देखने को मिलता है। ये रास्ता दिल्ली गेट से स्टार्ट होके और शाही किले तक जाता है। इसमें मुगलों ने जगह जगह मुख्तलिफ किस्म के मॉन्यूमेंट्स बनाए हुए हैं, जिनमें से वजीर खान मस्जिद, सुनारी मस्जिद और मरियम जमानी मस्जिद उनमें से जो कुछ ये मसाजिद हैं। शहजादे, शहजादियाँ और बादशाह इसी रास्ते से गुजरकर अकबरी दरवाजे से शाही किले में दाखिल हो जाते और फिर इसी रास्ते से उनकी वापसी होती। शाही अम्माल की कसरत से आमदोरफ्त के बायस इस रास्ते पर खूबसूरत इमारतें भी वजूद में आती गईं, जो आज भी तारीख के माथे का झूमर हैं। लाहौर जो है वो एक कल्चर हब है, जहाँ पे आपको तरह तरह के कलरफुल ट्रेडिशंस नज़र आते हैं। यहाँ पे लोग नज़र आते हैं जो कि बहुत अच्छे लोग हैं, पोलाइट लोग हैं, जो भी हमारे टूरिस्ट आते हैं उनके साथ काफ़ी अच्छे तरीके से डील करते हैं। ये रास्ता है तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर तवील, लेकिन अपने अंदर कई सदियों की तारीख समोए हुए हैं। वो कहते हैं ना कि फूल के साथ कांटे भी होते हैं, बस उसी के मजदाक इस जगह पर पहुँचना कदरे मुश्किल है, लेकिन पहुँचने के बाद सारी कुल्फत दूर हो जाती है, आजमाइश शर्त है। कैमरामैन शबल दुल्फी के साथ सुहेल कैसर, लाहौर।